गेट्स आप देख रहे हैं ऑटो वाले अंकल चैनल। दोस्तों आज मैं जो है आपको जो है पल पल की खबर में आपको मैं बताने वाला हूं। मैं पहले भी बताया था कि सलमान खान की हर एक नज़र पे मेरी नज़र रहेगी। दोस्तों आज एक खुशखबरी ये है और एक खबर ऐसी है मुझे मिली है जो कि आपको देना ज़रूरी मैं समझा। दोस्त पल पल की खबर में ये खबर है कि सलमान खान जी को जो है बिग बॉक्स के लिए प्रोग्राम के लिए जैसे जो है अपने जो भी है मतलब उनको प्रोग्राम के लिए 300 करोड़ रुपया जो है बिग बॉक्स में मिलेगा। अब रह गया हम लोग जैसे एडवर्टाइजिंग हर एक चीज़ देखते हैं सलमान खान पेप्सी वगैरह वगैरह एडवर्टाइज जो देते हैं वैसे एडवर्टाइजिंग के लिए उनको हर एक एडवर्टाइज के लिए 100 करोड़ रुपया मिलता है। दोस्तों और देखा जाए तो रेडी जो है अनीस बाजमी जो है उन्होंने जो है रेडी टू के लिए मतलब अब जो है रेडी टू भी बनाने वाले हैं उसके लिए उन्होंने स्क्रिप्ट लिखना चालू कर दिया तैयारी करना चालू कर दिया और सलमान खान जो है अब रेडी टू में भी जो है काम करेंगे वो भी 2-3 साल में मूवी आ जाएगी। दोस्तों अब मुझे एक बात बताइए कि कम से कम कुछ नहीं तो मैं ये देखा 3-4 महीनों में सलमान खान जी को इतना बुरा भला और क्या क्या नहीं बोला गया ये है वो है ऐसा है वैसा है मतलब है ये उन्होंने ऐसा कर दिया उन्होंने वैसा कर दिया क्या नहीं बोला गया और यहाँ तक बोला गया कि उनको जो है मतलब है बायकॉट कर दो ऐसा कर दो वैसा कर दो बहुत कुछ उन्हें बुरा भला बोला गया कि सलमान खान गलत हैं उनको मूवी में नहीं लेते उनको पिक्चर में नहीं लेते हैं। तभी भी आप बताइए मुझे अगर इतना कुछ रहता था तो उनको जो है इतना ये प्रोग्राम के लिए इतना मिलता था नहीं इतना उनको एडवर्टाइजिंग के लिए इतना मिलता था। तो दोस्तों ऐसे है ये सब जो है प्रोग्राम देख के ही पता लगता है कि सुपरस्टार ही है और हमेशा जो है वो दबंग तो दबंग ही रहेंगे। दोस्तों जो है ये हमेशा जो है अभी आगे आने वाली जो है आपको मैंने बताया था दबंग 3 जो है वो जो है ज़बरदस्त मूवी बनेगी उसको जो है मतलब ज़बरदस्त तरीके से उसको जो है तैयारी हो रही है। और दोस्त बस मैं यही चाहूँगा कि ऑटो वाले अंकल चैनल के साथ हमेशा बने रहें जो भी खबर आएगी आपको मैं पल पल की खबर देते रहूँगा सलमान खान का। बस आपको मैं यही चाहूँगा कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। बाय।